सो आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक लेटर मुगल्स का, एंड ये हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडिवल फेज। मिडिवल फेज टुवर्ड्स एंड क्यों? क्योंकि अब डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा बढ़ गई है। इट इज ऑल अबाउट कि अब मुगल्स खत्म हो गए, यानी कि मुस्लिम हमारी हिस्ट्री खत्म होगी, तो इसलिए मिडिवल हिस्ट्री खत्म होगी। और इसको समझना कैसे है हमने? इसी ग्राफ के जरिए। ठीक है, ये आपका आ गया वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया आपके गुप्तास, फिर से राजपूत, ये दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, एंड अगर हम इसको कहें फिरोजशाह तुगलक, उसके बाद दोबारा बाबर से दोबारा उठते हुए ये अकबर के टाइम पे शुरू होके एट द पीक के पहुंच जाता है औरंगजेब पे। ठीक है, और औरंगजेब से आगे कौन लेके जाएगा इसको? दोबारा से क्या होगा? लेटर मुगल्स वाला फेज। ये आ गया आपके लेटर मुगल्स। अब तीन बार हमने पढ़ लिया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें बताओ कि जब पीक पे चीज है तो क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है आपको? जब एक एम्पायर पीक पे पहुंच रहा है तो ये क्वेश्चन लगी है बिल्कुल मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका प्री से कोई लेना देना नहीं है, कि क्या इंडिया में ये नेचुरल टेंडेंसी है कि जब भी कोई एम्पायर बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो वो डिसइंटीग्रेट होगा ही होगा। जब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगी ही होगी। क्या ये जरूरी है? नहीं, बट ब्रिटिशर्स में नहीं होगा ये। ब्रिटिशर्स पूरी अच्छे से डिसेंट्रलाइज करेंगे, सेंट्रलाइजेशन करेंगे, बट उसके बाद इंडिपेंडेंस हो जाएगी, एंड इंडिपेंडेंस जो होगी वो और बहुत कारणों से होगी। चाहे नो डाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगी, बट वर्ल्ड वॉर्स चल रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहां पर भी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, किसके सिर पे बनाया? मिलिट्री के। औरंगजेब के टाइम पे भी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। बट अब मिलिट्री जब स्ट्रांग है, बहुत सारे मतलब कि बेसिकली सैलरीज देनी है लोगों को, मिलिट्री पे खर्चा बहुत हो रहा है, पैसे है नहीं है, तो अगेन क्या होगा? फ्यूडलिज्म, 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 फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म के चक्कर में क्या होगा? छोटे छोटे जो चीफ्स हैं, चौधरीज हैं, कोई देश पांडेज हैं, पटेल्स हैं, मुकदम्स हैं, जो जो मर्जी इसमें टर्मिनोलॉजीज आ जाए, तो वो क्या करेंगे कि सेंटर को क्या कोशिश करेंगे कि सेंटर में जो बैठा है या तो बंदा वो खत्म हो जाए या वो हमारी पसंद का बन जाए, बेसिकली पपेट सरकार बनाना चाहेंगे वो। तो इसलिए क्या होगा, यहां पे भी इन्विटेशंस एंड इन्वेजन्स, सेम इन्विटेशन एंड इन्वेजन्स, सेम औरंगजेब, इन्विटेशन एंड इन्वेजन्स किसकी? यहां पे हुई इंडो ग्रीक्स की, शार्क्स, सिंथियास और यूशी ट्राइब्स की। यहां पर किसकी होती है? बाबर, बेसिकली तुगलक्स के बाद लोधीज आए, तो उसके बाद तुर्की, यानी कि बाबर की इन्वेजन होगी। बाबर भी बाहर से है। यहां पे कौन आ गया? नादिर शाह 1739 में। तो हिस्ट्री का प्रोसेस जो मैं आपको डे वन से बोल रहा हूं वो ये है। सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री इसके बाद राजा, ये आपको और मैं जितने फैक्ट्स बताता हूं उससे 10 गुना कोई और बता देगा। बट पॉइंट है, आपने हर जगह ये चीज पकड़नी है, और क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या ये इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें, चलो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे यूरोपियंस के साथ, हम देखेंगे क्या एक्शन रिएक्शन हुआ, उसमें भी इस पॉइंट को पढ़ेंगे, तो यही क्वेश्चन पूछेगा वो कि क्या इंडिया में ये टेंडेंसी, बेसिकली हिंदुस्तान, नॉट इंडिया, हिंदुस्तान की क्या ये टेंडेंसी है कि जब भी बहुत सारा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही होगा। तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स बताएंगे कि भाई देखो पीक पे क्या क्या था, एम्पायर जो था सबसे बड़ा उस टाइम पे गुप्तास का, इस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का, और फिरोजशाह तुगलक ने बेसिकली इनहेरिटेड किया उसको, और यहाँ पे औरंगजेब का। उसके बाद जैसे ही ये मतलब कि डाउनफॉल शुरू होता है तो खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये भी है पॉइंट कि एट वन लेवल की जब जो राजे हैं बेसिकली एक, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर में पहले 4 राजे थे,
तो उन्होंने 1/4 करा हुआ था, बट उसी 4 की जगह पे अब आगे 40, 40 राजे आगे 1 किलोमीटर में, तो उन्होंने क्या करेंगे, बेसिकली उनकी पावर भी कम होती रहेगी। और इस टाइम में क्या होगा कि कोई ऐसा राजा होगा, कोई ऐसा मनसबदार होगा, कोई ऐसा मिलिट्री जनरल होगा जो पावरफुल होगा और सबको हराएगा और दोबारा से क्या लेके जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है, सिस्टम है सारा, कि ऐसा होगा ही होगा। और ये इसी चीज को आपने कमेंट करना है, वहां पे आ जाए कमेंट, एक्सप्लेन, एलुसिडेट, जो मर्जी वर्ड आ जाए, तो ये सारी आपको प्रोसेस का हमें समझना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा सेकंड आज का पॉइंट है, दैट इज लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में इट इज मोर और लेस पॉलिटिकल हिस्ट्री ओनली। एंड अब हम जाएंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, वही लेटर मुगल जितने वीक थे, फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो अगर हम उस टाइम पे इंडिया का मैप देखें, हिंदुस्तान को देखें, इंडिया इज अ नेशन, अभी हिंदुस्तान की बात ही होगी कि सिंध के पार का जो भी इलाका है वो हिंदुस्तान है। यहां पे आ गया काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली से इधर क्या आ गया, अवध, बिहार, बंगाल। बंगाल का मतलब वैसे है, बंगाल का मतलब हम जब कहेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस टाइम पे ज्योग्राफिकली ये चीज है। गुजरात के इधर आ गया मालवा, और ये आपका बुंदेलखंड एरिया। अब हमने पढ़ा था नॉर्दर्न सरकार्स बन जाएंगे, यहाँ पे कर्नाटिक बन जाएंगे, बिल्कुल नीचे त्रावणकोर, मैसूर बन जाएगा, और इधर इधर आ जाएंगे आपके मराठास, और यहां पे आपकी बन जाएगी हैदराबादी निजामी। अब ये आपका देखो इंडिया का मैप है, ये हिंद कुश, हिमालयस, पामीर्स। अब ये आपका इंडिया का मैप है। ऐसे आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए टेक्स्ट पे भी कि अब मॉडर्न इंडिया में हम जा रहे हैं तो यूरोपियंस को कौन कौन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि सबसे ज्यादा एम्पायर जो किसका देखा था हमने कल लास्ट, मराठास का। मराठास इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि इवन राजपूत को अपनी ट्रिब्यूटरी बना लिया था उन्होंने। राजपूत क्यों ट्रिब्यूटरी बन गए, क्योंकि उनके आपस के इश्यूज ही चलते रहते थे कि वो कहता था कि मैं सुपीरियर हूं, मैं सुपीरियर हूं। और इवन मराठास को भी एंड में जो जाके ये इंटरनल रिवोल्ट्स का फेस करना पड़ेगा। तो मराठास का एरिया कौन सा, ये देखो, इवन बुंदेलखंड वाला, नॉट बंगाल, ये करते करते राजस्थान, इवन राजस्थान भी अगर हम देखें तो ये इसका, तो ये आ गया मराठास। मराठास और 1803 में जब एंग्लो मराठा वॉर होती है, ठीक है, और तब जब ब्रिटिशर्स लाल किले पे अपना झंडा फहरा देते हैं, तो उसके बाद मराठास का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां पर कौन है, कंधार काबुल वाले रीजन में कौन है, दुरानी एम्पायर, यानी कि ये आ गया अफगानियों के पास। पंजाब में कौन है, सॉरी मुल्तान भी रीजन इन्हीं पर, पंजाब में कौन स्ट्रांग हो रहा है, सिक्स। यहां पर कौन हो रहे हैं, एक हिंदू डायनेस्टी है, लेकिन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट इज ए हिंदू डायनेस्टी यहां पर। अवध में अपने हो रहे हैं, यहां पर रोहिलखंड एरिया इसके ऊपर, ठीक है। बिहार बंगाल को यहां पे आसफ जाही आ जाएगी, सॉरी नॉट आसफ जाही, आसफ जाही तो हैदराबाद में आ जाएगी, बिहार बंगाल में अपना चलेगा सिस्टम, ठीक है। ये आ गया आपके सरकार्स, यहां पे आ गया आपके कार्नाटिक्स, यहां पे मैसूर, त्रावणकोर, यहां पे कौन डेवलप होंगे आपके, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ये आपकी आ गई हैदराबाद, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट रहेगी, ये मराठास के साथ भी अच्छा रहेगी और मुगल्स के साथ भी अच्छा रहेगी। मराठास को ये बोलेगी कि आप बेसिकली आप साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ना आओ, आप सॉरी साउथ की तरफ ना आओ, नॉर्थ की तरफ जाओ और वहां पे अटैक करो। और जब दिल्ली पे नादिर शाह अटैक करेगा तो ये जाके दिल्ली में उसकी हेल्प भी करेंगे मुगल एम्पायर की। तो ये बड़ी सेफ गेम खेलेंगे हैदराबादी निजाम जो है। तो ये इंडिया का अब आपके पास है जो फेस करेगा अब नेक्स्ट चैलेंज जो है ब्रिटिशर्स इन पर्टिकुलर, और इंग्लिश भी कह रहे हम क्योंकि यूरोपियंस हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि पोर्चुगीज ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे, पोर्चुगीज, डच, ये सारे बैठे हैं थर्ड नंबर पे, सबसे ये आते हैं फ्रेंच वगैरह सारे आएंगे, बट अब जो मेजर चैलेंज आएगा इनको ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन पर्टिकुलर ब्रिटिश एम्पायर से आएगा। सो ये मैं आपको
आइडिया होना चाहिए क्या चीज हो रही है यहां पे, ठीक है। सो अब हम पहले कर लेते हैं लेटर मुगल्स का टाइम। विजयनगर किंगडम वगैरह सारा हो गया। अब हम डायरेक्टली कहां पे आएंगे, वही अपने लास्ट लेक्चर पे, डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, जब वो डेक्कन में इन पर्टिकुलर मराठास को नहीं कॉन्कर कर पाता और ताराबाई जो है वो बेसिकली सारी रिवोल्ट्स को औरंगजेब की दबा देती है और वो एज अ रीजेंट रूलर रूल कर रही होती है। अब क्या होगा, ही डाइज एट द एज ऑफ 90। अगर एक फादर की एज 90 है, ठीक है, तो उसके बच्चों की कितनी एज होगी, 30 इयर्स का मैक्सिमम फर्क होगा, 25-30 इयर्स का। तो बेसिकली अब जो नया राजा बन रहा है वो 65 इयर्स का है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकैपेबिलिटी आती है। यंग होगा, थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होगा, वजीर वगैरह बैठे होंगे, नोबल्स बैठे होंगे, वो उसको गाइड कर देंगे, बट 90 की एज पे वो मर रहा है। और अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है। वॉर ऑफ सक्सेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों में खर्चा होगा, सारे प्रिंस जो हैं आपस में लड़ेंगे, क्योंकि औरंगजेब किसी को डिक्लेयर नहीं करके गया। जैसे हुमायूं जो है अकबर को डिक्लेयर करके गया था, उसके बाद तो हर एक औरंग अकबर से जहांगीर लड़ा, जहांगीर से शाहजहां लड़ा, शाहजहां से औरंगजेब लड़ा, और औरंगजेब के बच्चे भी जो आपस में आगे लड़ रहे हैं वॉर ऑफ सक्सेशन में। एक तो यहां पर खर्चा हो गया, ठीक है। सेकेंडली अब क्या है कि अगर एक प्रिंस ने राजा बनना है, किंग बनना है, तो क्या करेगा, वो अपनी सपोर्ट इकट्ठी करेगा। सपोर्ट कौन है, बेसिकली कौन है, नोबिलिटी। और हमने बोला था कि जो मुगल कोर्ट है ना, एक साइड पे रिलीजियस लोग बैठते हैं, एक साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव बैठते हैं। रिलीजियस कौन है, अरेबिक लोग है, अरेबिक लोग शिया सुन्नी में है, ठीक है। बट जो अरब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसका, वो इस टाइम पे बड़ा डाइवर्स हो गया। उसमें ईरानी भी है, तुरानी भी है, और हिंदुस्तानी भी है। अब ईरानी कौन लोग हो गए, पर्शियन लोग हो गए, तुरानी कौन हो गए, टर्की वाले रीजन के हो गए, और हिंदुस्तानी मुस्लिम अब यहां पे किसको कह रहे हैं हम, जो पुराने बैठे हैं, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हैं, या जो कन्वर्ट्स हैं, जो इंडिया में से ही कन्वर्ट, हिंदुस्तान में से ही कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने मुस्लिम जो इस्लाम फॉलो कर लिया। तो ये लोग बैठे हैं नोबिलिटी में, ये आपस में लड़ेंगे। अब कोई राजा होगा वो तुरानियों की हेल्प से आ जाएगा, तो ईरानियों को और हिंदुस्तानियों को खत्म करेगा। कोई होगा वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की हेल्प से आ जाएगा, तो वो बाकियों को सप्रेस करेगा। बट जब एक राजा बन जाएगा तो जिन्होंने उसकी सपोर्ट करी उसको हेल्प कर, मतलब उसको भी फायदा देना पड़ेगा। तो उनको क्या देगा, वो पैसे है नहीं है, क्या देगा, जागीर। अब और जागीरदारी क्राइसिस करेगा ये, जो औरंगजेब तक सिर्फ काम के लिए थी, अब वो सिर्फ बेसिकली उसका सपोर्ट करने के लिए कि मेरे को किंग बना दो, मैं तुम्हें ये हेल्प कर दूंगा। अब पैसा यहां पर भी खर्चा हुआ, यहां पर भी खर्चा हुआ, पैसे है नहीं है, तो क्या होगा, जागीरदारी क्राइसिस। और जो थोड़े बहुत पैसे हैं भी हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इन कैश और काइंड देना है, तो वो क्या करेगा, 20 इन कैश दे देगा, 80 इन काइंड दे देगा। तो ऐसे जो बचा खुचा ट्रेजरी है वो भी खत्म हो रहा है। अब क्यों वीक हो रहा है, सबसे बड़ा कारण है कि औरंगजेब डेक्कन में 25 साल तक रह रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, वो इंडिया में ना रह के सिंगापुर में अपनी मीटिंग्स करता रहे, या मालदीव में बैठे अपनी मीटिंग्स करे, या इधर जापान चाइना इधर घूमी जाए, इंडिया में कौन देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन देखेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं देखेगा तो देखेगा मिनिस्टर्स देखेंगे, या फिर ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे। और ओवर द टाइम क्या होगा, 25 साल का ड्यूरेशन बहुत होता है कि मिनिस्टर्स और वहां के और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने आप को इतना पावरफुल कर देंगे कि कल को प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देंगे। दूसरी बात, एम्प्टी रॉयल ट्रेजरर्स, शाहजहां के टाइम से उन्होंने ताजमहल बना लिया, इतने मॉन्यूमेंट्स बना लिए, ऊपर से वॉर ऑफ सक्सेशन, औरंगजेब ने बेतहाशा लड़ाइयों पर खर्च दिया, अब पैसे है नहीं है, तो एम्प्टी रॉयल ट्रेजरी। अगर ई नहीं है तो दूसरा ई भी नहीं मिलना हमें, अगर इकोनॉमी नहीं है तो एम्पायर भी नहीं मिलना। जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्यों, सबको जागीरें बांट दी, और जागीरें भी कौन सी बांटी, जो प्रोडक्टिव लैंड्स है,
ये नहीं है कि बंजर जमीनें दे दी। बेसिकली जो दिल्ली दुआब के रीजन के या बंगाल के, बेसिकली कहीं भी अगर प्रोडक्टिव लैंड्स हैं दुआब रीजन में, वो दे दी सबसे पहले, जहां से सबसे ज्यादा स्टेट को कमाई हो सकती थी। दूसरी मनसबदारी क्राइसिस, दुअस्पा सीएसपा लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा उसको अब आर्मी मेंटेन करोगे कि जब कल को मुगल एम्पायर को जरूरत पड़ेगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा आर्मी देनी है, बट उसको संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, नोबिलिटी की पावर बहुत इंक्रीज हो रही है, राजा है नहीं है, देखने वाला कोई है नहीं है, तो अब क्या हमें दिखेंगे, किंग मेकर्स दिखेंगे। जैसे कौटिल्या था, किंग मेकर था वो, ही वॉज नॉट अ किंग, वो किंग बना रहा था। तो सेम वे अब यहां पे ईरानी आ जाएंगे कभी कभी, कभी तुरानी आ जाएंगे और कभी हिंदुस्तानी आ जाएंगे। सक्सेसर्स आर ऑल्सो एज्ड, बेसिकली जो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन, बहादुर शाह टू कौन है, बहादुर शाह जफर जो लास्ट में हमें मिलेगा, बहादुर शाह वन जब गद्दी पे बैठ रहा है, किंग बन रहा है, बादशाह बन रहा है, हिज एज इज 65। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स अभी हमने करा कि इतनी छोटी छोटी मतलब कि राज्य बन गए हैं, इतनी प्रिंसेस, किंग, नवाब, निजाम, बहुत कुछ बन गया सिस्टम, और दिल्ली जो एम्पायर है वो बहुत छोटा सा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरोपियन इंटरफेरेंस। अब ब्रिटिशर्स आ गए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, पोर्चुगीज बैठे हैं, डच आ रहे हैं, सबका इंटरेस्ट है कि इंडिया बेसिकली उसको कॉन्कर कर ले। कारण, इंडिया को कॉन्कर क्यों करना, ट्रेड। उत्तर पथ, दक्षिण पथ, गोल्डन लैंड, गोल्डन आइलैंड्स, मैरिटाइम सिल्क रूट। जिसने इंडिया को कॉन्कर कर लिया वो मेजोरिटी, चाहे मेन सिल्क रूट नहीं है बट फिर भी जो उसके सेकेंडरी जो पार्ट्स हैं वो सारे इंडिया एंड सराउंडिंग से निकल रहे हैं। प्रिमिटिव ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब जब ये रीजनल किंगडम्स बनते हैं तो छोटे छोटे अगर बेसिकली रिटेलर्स हैं, उन्हें अपना सामान बेचना, किसको बेचेंगे, एक बड़े बड़े डीलर को बेचेंगे। अब बड़ा डीलर को है ही नहीं है, बेसिकली सेंट्रल एम्पायर को बेचना था, नहीं तो उन्होंने सेंटर में अगर मुगल बादशाह अगर स्ट्रॉन्ग होता, उसका एम्पायर बड़ा होता तो उसको बेचते और वो आगे बेच देता। ठीक है, बट अब सेंटर में एक बहुत बड़ा एम्पायर है नहीं है जो एक पर्टिकुलर गुड को यहां से यूरोप तक पहुंचा दे, उसको कौन पहुंचाने का काम करेगा, अब यूरोपियंस। यूरोपियंस के जब भरोसे हम बैठ जाएंगे, स्टार्टिंग में तो नो डाउट हमें लगेगा कि चलो हमें पैसे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, धीरे धीरे वो फिनिश्ड गुड्स को खत्म करके यहां से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाना शुरू कर देंगे। फिनिश्ड गुड, अब भैया 100 रुपीज का शू है, लेकिन लेदर क्या रेट है, 10 रुपीज की। रॉ लेदर 10 रुपीज की, शू जो है 100 रुपीज का। अब वो 10 रुपए का माल लेके जा रहे हैं, अपने वहां पे इंडस्ट्री बन चुकी है उनके पास, इसी 100 की चीज को वो 40 में बना रहे हैं और 50 में आके बेच रहे हैं। खरीदने वाले हम भी खरीदेंगे, बट एट दी एंड क्या है, जो एक पीजेंट है, जो एक पीजेंट है, जो एक फार्मर है, नुकसान तो उसका हो रहा है। जो पहले 100 रुपए की चीज मतलब बेसिकली उसका आउटपुट थी, अब वो वहां पे 40-30 की रहेगी। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन सभी की वजह से क्या हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। ब्राइब्स एंड करप्शन, अगर ज्यादा रस्ते होंगे, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई काम कराना है किसी से, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही इंसान है वो कर सकता है, यानी कि बादशाह है जो, सिर्फ वही काम कर सकता है। बट अब ऐसे के कितने बादशाह आ गए हर जगह पे, अगर मैंने बंगाल में काम कराना है, निजाम को मिल लूंगा मैं, अवध में मिल रहा है, किंग ऑफ अवध को मिल लूंगा, बंगाल में मिल रहा है, वहां पे निजाम को मिल लूंगा, उधर मैंने अगर नॉर्थ वेस्ट में जाना है, अफगानियों को जाके, तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे चैनल्स बन गए। और बहुत सारे चैनल्स बनने के चक्कर में अगर निजाम नहीं, यहाँ पे नहीं काम हुआ, फैक्ट्री मेरी नहीं खुल पा रही, मैं जाके बंगाल में खोलूंगा, बंगाल में नॉर्थ वेस्ट में खोलूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत है। अब मेरे पास सिंगल एम्पायर नहीं है, तो सिंगल एम्पायर डिसेंट्रलाइजेशन होने का मतलब कि करप्शन के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यूरोपियंस ने यही करा, पहले गुजरात में आए, बात नहीं बनी, बंगाल में चले गए, बात नहीं बनी, दिल्ली चले गए, बात नहीं बनी, पंजाब चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, बेसिकली उनका अपॉर्चुनिटीज बहुत है मैनिपुलेट करने की। तो उससे क्या होगा, ब्राइब्स एंड करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लेटर मुगल्स बेसिकली जो 200-250 साल का एम्पायर था वो 50 साल में खत्म होता दिखेगा हमें। या अभी देख लो कितना बड़ा एम्पायर है मुगल एम्पायर, एक्सक्लूडिंग ये एक्सट्रीम साउथ, बाकी सारा है मुगल एम्पायर। ये आपको क्लियर इसमें नहीं दिख रहेगी, बट ये मैप जरूर समझना है हमने, अपने फोन में चाहे देख लो अभी। ये देखो जो मैं आपको बोल रहा था,
वेमुरन दोरानी, ये जो काबुल कंधार वाला रीजन है, यहां पे दुर्रानी एम्पायर आ चुका है, ठीक है। ये है आपके ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, ये राजपूत है, और ये मराठास देखो, ये दिल्ली तक इनके पास है इस टाइम पे, यहां पर और यहां पर। ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, दिस इज निजाम ऑफ हैदराबाद। ये जो आपको पिंकिश सा एरिया दिख रहा है, पिंक सा एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये है अवध, ये है सरकार्स, और ये है कर्नाटक, ये बन गया आपका मैसूर। तो ये हमने सारा ये मैप घर जाके थोड़ा सा ब्लर्ड भी शायद है, ये यहाँ पे स्ट्रेच करा हुआ, इसको मैप पे जरूर देखना है, पर आपको सारा पता लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिल्ली के पास आपको यहाँ पे भरतपुर दिखेगा, जाट्स का बेसिकली, जाट्स भी अपनी रीजनल किंगडम शो कर देते हैं। ये बुंदेलों का रीजन है, ये भी बुंदेल, बुंदेलखंड, मालवा, ये सब किसके पास आ गया, मराठास के पास आ गया। तो ये मैप जरूर एक बार देखना, उसी का रिफाइंड वर्जन है, बट उसमें जो पिछला मैप दिखाया है उसमें अकेली अकेली बताई हुई है कि कौन सी अगर डायनेस्टी वहां पे कौन सी, यहाँ पे सिर्फ किंगडम्स का बताया हुआ, जैसे वही राजपूत, यहाँ पे अफगानीज बैठ गए, ये आपका सारा येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, मराठा कॉन्फेडरेसी, मैसूर, और यहाँ पे वही हमेशा से चीफटन जी रहेंगे, ज्यादा कोई इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, त्रावणकोर ये रहा, सरकार्स, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, और ऊपर रोहेल्स, रोहेलखंड वाला रीजन। अब सेम वही है, ये भी अब की अलग अलग जो बटी हुई है किंगडम्स, ये उसमें ही है। अब हम करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री लेटर मुगल्स की। बहादुर शाह आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बहादुर शाह वन है ये, इसको इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए क्या कह देते हैं, बहादुर शाह वन, और बहादुर शाह टू जो एंड में आता है उसको जफर कह देते हैं। ही फॉलोड अ कॉन्सिलेटरी पॉलिसी टूवर्ड्स राजपूत एंड मराठास, बट स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट सिक्स। हम देखेंगे कि किसी भी लेटर मुगल्स के टाइम पे सिखों के साथ उन्होंने कंसिलेटरी पॉलिसी नहीं करी, हमेशा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी। अब ये पूरा आपके पास हफ्ता है, हमने ढूंढना है कि वाई लेटर मुगल्स डिडंट फॉलो अ कंसिलेटरी पॉलिसी टूवर्ड सिक्स, अब ये ढूंढ के लाना है आपने। मराठाओं के साथ, राजपूत के साथ, जाट्स के साथ, सतनामियों के साथ, सबके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेंगे, बट सिखों के साथ नहीं करेंगे, ये कारण आपने ढूंढ के लाना है। इन ऑर्डर टू विन नोबिलिटी नो मनी, हेंस दे गेव आउट मैक्सिमम जागीर विद हेरिडिटरी, क्योंकि अब औरंगजेब के बाद क्या करा था उसने कि मैं आपको जागीरें भी दूंगा और हेरिडिटरी भी बना दूंगा इसको, पावरफुल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और आज नहीं तो कल जो हेरिडिटरी वाला राजा होगा वो उस जिस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल अगर औरंगजेब ने किसी को दी होगी जागीर तो नो डाउट वो उसके लॉयल होगा, बट औरंगजेब की इधर से थर्ड जनरेशन और इधर से वो जागीरदार की थर्ड जनरेशन, उनकी लॉयलिटी को नहीं आप कर सकते कि वो होगा लॉयल नहीं होगा, और अगर नहीं लॉयल होगा तो वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट अपनी किंगडम डिक्लेयर कर देगा। मिलिट्री भी वीक, पैसा है नहीं सोल्जर्स को देने के लिए, सैलरीज देने के लिए है नहीं, ऑफिसर्स को कितनी का जागीर दे दोगे, तो मिलिट्री वीक, इकोनॉमी वीक, एंड हेंस जो एम्पायर है ऑन द वेज ऑफ ब्रेकडाउन। अब बहादुर शाह वन एक गेम खेलता है कि मराठाओं को बेसिकली सबसे जो जो उनका चैलेंज है, नंबर वन चैलेंज कौन सी है, मराठा। अब वो क्या करता है कि वो कहता है कि यार इनके बीच में ना मैं सिविल वॉर से करा देता हूं, कैसे, जो शाहू को एज ए प्रिजनर, संभाजी के बेटे को, शाहू को, संभाजी सन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के बेसिकली पोते को ये छोड़ देता है, एंड एट द सेम टाइम ताराबाई वहां पे रूल कर रही होती है द मराठास, मराठाओं को जो लीड कर रही है दैट इज ताराबाई। सो बहादुर शाह वन को लगता है कि अब शाहू जाएगा, शाहू बोलेगा कि मेरी गद्दी वापस करो, ताराबाई रिजिस्ट करेगी और इस चक्कर में क्या हो जाएगी, सिविल वॉर, और इस सिविल वॉर का मैं फायदा उठा के मराठाओं को हरा दूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाता, एंड जो मराठास हैं वो ओवर पावर कर देते हैं मुगल एम्पायर को। इनिशियली ही वॉज एट गुड टर्म्स विद गुरु गोविंद सिंह जी, इनिशियली ही वॉज वेरी गुड एंड इवन, बट लेटर टर्म्स वर नॉट वेल एंड बंदा बहादुर लेट टू कप। गुरु गोविंद सिंह जी लेट द फाउंडेशन ऑफ खालसा, एंड गुरु गोविंद सिंह जी के बाद क्या हुआ, अभी हम बिल्कुल इसका फाउंडेशन बेसिस करेंगे
कि कौन से क्या राज्य ने क्या करा और कौन सी इंडिपेंडेंट किंगडम क्रिएट हो रही है। अभी सिर्फ फाउंडेशन होगी, जो इसका एक्शन रिएक्शन वाला होगा वो बाद में करेंगे। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर टुक ओवर एंड सबसे पहले आते हैं लाइन से, सभी मुगल जो यहाँ पे वजीर बैठे होते हैं, गवर्नर्स बैठे होते हैं, उनको हराना शुरू करता है, स्टार्टिंग विद बैटल ऑफ समाना एंड देन बैटल ऑफ सरहंद। बट ही वॉज डिफीटेड एट बैटल ऑफ लोहगढ़। चाहे ही कम्स बैक इन 1712 एंड री ऑक्यूपाइज द फोर्ट ऑफ लोहगढ़। अब बहादुर शाहबान मेड पीस विद छतरसल जाट्स एंड हेल्प्ड मुगल आर्मी। अब ये छतरसल और जाट्स इन दोनों ने दे हेल्प्ड मुगल आर्मी अगेंस्ट सिखों के अगेंस्ट। जब बंदा बहादुर को बेसिकली मुगल एम्पायर वर्सेस बंदा बहादुर हो गया था, तो जाट्स ने और छतरसल ने दे हेल्प द मुगल आर्मी। He was shouldering towards Hindu, but nobility was getting powerful and doing activities. अब क्या है, काम तो वो नो डाउट अच्छा कर रहा है, बट 65 years age की age का बंदा है वो, काम नो डाउट कर रहा है कि यार सबको मैं मना लूं, सब अपना एम्पायर में बचा लूं, कंसोलिडेट कर लूं, बट स्टिल उसके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसको पीठ पीछे हो रहा था, उसको पता भी नहीं लग रहा था कि मेरी नोबिलिटी मेरे अगेंस्ट ही कंस्पायर करने को कर रही है। एंड इसीलिए इसको क्या कहते थे, ही इज कॉल्ड शाह बेखबर, मतलब बेखबर है वो इससे। He died in 1712. अब बहादुर शाह अगर हम देखा जाए तो बहादुर शाह वन वॉज द लास्ट रूलर जो अपनी मर्जी से काम कर रहा था कुछ कुछ हद तक। इसके बाद क्या होगा कि किंग मेकर्स वाला हमें सीन दिखेगा। नेक्स्ट इज जहांदार शाह, अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन में क्या होगा, नोबिलिटी या ईरानी को पकड़ना पड़ेगा, तो रानी को या हिंदुस्तानी को। अब जहांदार शाह किसकी हेल्प लेते हैं, ईरानी होगी सबसे पहले अंडर जुल्फिकार खान। और वो जुल्फिकार खान क्या होता है, जहांदार शाह को लेके आता है, वो कहता है यार तू राजा बन जा और काम बट मैं करूंगा। अब जुल्फिकार खान जो है वो काम करने वाला है, वो वजीर बना लिया बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर बना लिया उसको अपना, और पॉलिसी वो कहता है कि यार अब पैसा हमारे पास कुछ नहीं है तो पैसा लेके आना, इजारेदारी वो डिवेलप करता है, इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देना लैंड को, अब ये आ जाते हैं ईरानियों की हेल्प के साथ में। ईरानी में कौन है, जुल्फिकार खान। अब जुल्फिकार खान वाइज बंदा है, उसको पता है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत साउंड बंदा है, उसको पता है कि अब पैसे नहीं है एम्पायर के पास, तो पैसे कमाने हैं, सबसे पहले पैसे कमाऊंगा, पैसे से मिलिट्री कमाऊंगा और उसके बाद एक अपना एम्पायर दोबारा से रीस्टैब्लिश करूंगा। अब पैसे कमाने के लिए वो सबसे पहले क्या कहते हैं, इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, वो उसकी बोली लगवा रहा है, ऑक्शन करा रहा है, और वो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर लैंड में से आप मेरे को इतना जो क्वांटिटी है वो आउटपुट दोगे। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स में अगर हम बात कर लें, कि कोई कहता है कि इस लैंड में से मैं 100 यूनिट्स दे सकता हूं आपको, कोई कहता है कि मैं 200 दे सकता हूं, और कोई कहता है मैं 300। वो कहते जुल्फिकार खान कहते हैं ठीक है तेरे को दिया, कि तूने मुझे 300 जो यूनिट्स हैं वो इस लैंड में से देने ही देने हैं, इसके ऊपर तू चाहे 400 कमा, चाहे 500 कमा, चाहे 600 कमा और चाहे 100 कमा, तूने मुझे 300 यूनिट्स देने ही देने हैं। दैट मींस ये आ गया आपका सेंटर, ये आ गया रायत, यानी कि पीजेंट आ गया। पहले क्या हो रहा था, सीधा सेंटर को जा रहा था सारा टैक्स, बट अब क्या हो गया, बीच में मिडल मैन आ गया। ये मिडल मैन ओवर द जनरेशंस क्या कहलाएगा, जमींदार। और ये जमींदार का रेफरेंस हमें अब से पहले कब मिला, जमींदार वर्ड जब हमें दिखता है हिस्ट्री में तो कब दिखा हमें, किसने बोला था, यह जमींदार नहीं, विजयनगर एम्पायर से भी पहले हमें मिला हुआ। इससे पहले हमें कहां पे मिला, यह मिला अमीर खुसरो की राइटिंग्स में हमें, इससे पहले हमें अमीर खुसरो की राइटिंग्स में जमींदार एज ए पर्टिकुलर वर्ड जो है वो मिला, कि जमींदार कौन है। तो सेम वे अब जमींदार ओवर द जनरेशन जो होंगे, बेसिकली जो ठेकेदार होंगे, ये क्या टाइटल ले लेंगे, जमींदार का। अब देखो यहां पर आ गया जमींदार,
जमींदार का काम क्या है? राइट से पैसा लेना, फार्मर से पैसा, पीजेंट से पैसा लेना और सेंटर को देना। अब यानी कि एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी पीजेंट की दोबारा से, रायत की। कारण उसने बोला कि 300 यूनिट्स। अब वो चाहे नीचे से 1000 यूनिट्स इकट्ठी करे, चाहे नीचे से 2000 यूनिट्स इकट्ठी करे, उसने ऊपर सिर्फ 300 देनी है। दैट मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स करेगा। सो दैट मीन्स यहां से शुरू हो जाती है दोबारा से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। मिडल मैन का कंसेप्ट आ जाता है अब यहां पे इजारेदारी में। सेकेंडली, अब एक तो ये हो गया, दूसरी बात पैसा कमाना क्यों है? मिलिट्री के लिए। तो इसलिए वो मनसबदारों को कहते हैं कि जो तुम्हारा जात और सवार है ना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। कि अगर तुम्हारा जात सवार 1000, 5000, 7000 जितना भी है, तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या करता है वो, दाग और चेहरा। क्या था ये? दाग और चेहरा आइडेंटिफिकेशन। तो ये दाग और चेहरा को ये ना हो कि भाई वहां पे जब 5000 मनसबदारी जिसके पास 1000 की सवार हो, वहां पे जाके वो खच्चर ले, वहां पे प्रॉपर घोड़े होने चाहिए। और अगर 5000 सैनिक है, वो प्रॉपर ट्रेंड सैनिक होने चाहिए। ये नहीं है कि वो जो प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये दाग और चेहरा बेसिकली उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है यहां पर। एबॉलिश जजिया हूं जहांदार शाह। किसने कन्विंस करा था? मिर्जा राजा सवाई सिंह, जय सिंह ऑफ आमेर। इसने, ये जय सिंह ऑफ आमेर, आमेर इज जयपुर, जयपुर रीजन। मिर्जा राजा सवाई सिंह, सवाई इसको टाइटल मिला था, टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई। सवाई का मतलब कि जो आज के राजाओं से सवा गुना ज्यादा पावरफुल है। सवाई का मतलब है सवा, सवा गुना, ठीक है। तो इसलिए जय सिंह को सवाई सिंह का टाइटल मिला था। एंड जय सिंह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी बड़ा ही एक मतलब कि फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखें, बड़ा अच्छा विजन था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज खोल रहा है। एंड इसी ने जहांदार शाह को कन्विंस करा था कि जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स दोनों, इवन पिलग्रिम टैक्स भी इसी की वजह से जो है एबॉलिश हुआ था। अजीत सिंह को टाइटल दे दिया महाराजा का और गवर्नर बना दिया गुजरात का। सो दैट मीन्स राजपूत के साथ इसका रिलेशन अब अच्छा हो गया। अब मराठास के साथ क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर ऑलरेडी खत्म हो रहा है, वो कहते हैं ठीक है तुम चौथा स्वदेशमुखी ले लो। चौथा स्वदेशमुखी क्या था? और स्वदेशमुखी इनर लैंड्स विच वर एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज थी मराठास की। मराठास को कहते हैं ठीक है तुम मुगल एम्पायर में से चौथा स्वदेशमुखी इकट्ठा कर सकते हो, बट अपनी सिर्फ एक कहने का मतलब अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए कि उसे चौर स्वदेशमुखियों को इकट्ठा कौन करेगा, मुगल ऑफिसर्स, बट उसको बाद में किसको देंगे, मराठास को। तो इससे क्या होगा कि मुगल जो है सुप्रीमेसी बनी रहेगी कि हाँ भी टिटुलर, मतलब कि टिटुलर हेड, नाम का जो होता है, जैसे हम कह देते हैं कि प्रेसिडेंट इज अ टिटुलर हेड, मतलब नाम नेम से क्या बेसिकली, एक्चुअल में कौन हेड है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर भी वो कहते हैं कि यार हमारी इतनी तो रख लो कि इतने सालों हमने तुम पे राज किया, एकदम से हमें जीरो ना करो। He pacified Jats and Bundelas, but still, देखो, strict policy towards Sikhs. Zulfikar Khan ensured the maintenance of Jat and Sawar. How? Daag aur chehra. Basically, eye card ki proper ghode aur proper sainik honi chahiye. So, kafi had tak Zulfikar Khan kaam karna chahta tha, but wahi baat hai, court politics mein mar jayega. Irani hai, yani ki Turani aur Hindustani dono ikatthe hoke isko khatam karne ki koshish karenge. अब हिंदुस्तानी और तुरानी इकट्ठे हो गए थे, तो अब उसमें से कौन फेमस आ गया बंदे, हमने बस सैयद ब्रदर्स, ये जरूर याद रखना नाम इनके, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, नाम जरूर याद रखना, सैयद ब्रदर्स। अब ये कौन से ग्रुप के हैं, ये हिंदुस्तानी ग्रुप के हैं। अब ईरानी गए, हिंदुस्तानी आ गए, ये भी जाएंगे, इसके बाद कौन आएगा किंग मेकर, तुरानी, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स हैं, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, या तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम के बहुत पुराने मुसलमान है जो वो आए हुए हैं, या जो कन्वर्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के, ये वो है। तो बेसिकली ये नेटिव्स को बहुत ज्यादा करेंगे कोशिश कि उनको अपने साथ रखें। हिंदुस्तानी मुस्लिम से हु केम ड्यूरिंग एंड पेट्रोनाइज हिंदू ग्रुप्स। देखो अब ये हिंदू बिकॉज उनको पता है कि अगर आप हिंदुस्तान में रूल करना चाहते हो तो हिंदू से बैर नहीं कर सकते, तो हिंदूज को आपको साथ रखना पड़ेगा। इसलिए सैयद ब्रदर्स की जो पॉलिसीज रही थी हिंदू ग्रुप्स के अगेंस्ट, वो बहुत पैसिफाइंग थी।
दे बिकेम द किंग मेकर्स एंड डिड. अब इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जो आज तक सेंचुरीज में नहीं हुई थी. इन्होंने राजे भी मरवा दिया, जिसने आज तक एक मुगल एम्परर जो झरोका दर्शन, झरोका दर्शन किसका था? अकबर के टाइम का, कि भाई राजा बाहर आएगा, लोग उसे देखेंगे और सोचेंगे कि ये तो हमारा माई बाप आ गया, हमारा भगवान आ गया, हमारा अल्लाह आ गया. तो ऐसे के ऐसे एक बादशाह जिसकी सोसाइटी में एक ऐसी पोजीशन है, उसको सैयद अज़ीज़ मार देते हैं. तो ये बहुत बड़ी इवेंट है कि जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था सेंचुरीज में, वो इन्होंने कर दिया. ड्यूरिंग हिज टेन्योर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716. किसी ने पढ़ा ये हाउ ही वॉज एग्जीक्यूटेड, हाउ ब्रूटली रादर? पढ़ना जरूर कि हाउ ब्रूटली ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन इट वॉज कि जैसे बाबा दीप सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, नौद सिंह, ऐसे कि काफी जो लीडर्स हैं हमें दिखेंगे. वो क्यों आफ्टर कि भाई बंदा बहादुर के साथ, वो कहते हैं कि भाई सारी गुरुओं, मतलब कि दो गुरुओं की एग्जीक्यूशन होगी एट द हैंड ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बाद बंदा बहादुर, ये स्पेलिंग उसके बाद बंदा बहादुर की एग्जीक्यूशन होगी, चार साहबजादों की होगी. तो इस सब का ब्लेम अब किस पे आ जाता है? ऑन मुगल एम्पायर. और मुगल एम्पायर को इसलिए, मतलब कि टक्कर देने के लिए अब क्या होगा, सिख जो है अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिसल्स में. मिसल्स इट इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा. ठीक है, तो 12 मिसलों में अपने आप को कर लेंगे, और उसमें से सुकर चकिया मिसल में से कौन आएंगे? महाराजा रंजीत सिंह. आफ्टर फारूक सियार कम्स मोहम्मद शाह 1719 to 1748. ही वॉज कॉल्ड रंगीला बादशाह. बड़ा ही बिल्कुल बस अपना ऐशप्रस्ती में लगा है, खाना पीना, मतलब की ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेशन और हर तरीके की प्लेजर एक्टिविटीज चल रही है. इतनी ज्यादा प्लेजर एक्टिविटीज चल रही है कि दीवाने आम में या दीवाने खास में ये ऐसी सिचुएशन में आ जाता था कि बिल्कुल जैसे हाई है वो, तब आके बैठ जाना. इसने कभी नहीं देखना कि कौन से कपड़े डाले हैं, कपड़े डाले भी हैं कि नहीं डाले. तो ये आगे भी बिल्कुल ही रंगीला बादशाह इसको कह रहे हैं. इसके टाइम पे आ जाता है नादिर शाह. नादिर शाह की जो इन्वेजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि अब मुगल एम्पायर को पता लग गया कि वी आर गोइंग टू डाई. एंड सेकेंडली सैटेलाइट स्टेट्स. सैटेलाइट स्टेट्स बहुत, मतलब कि ज्यादा डेवलप हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अवध, अवध की कैपिटल क्या है? लखनऊ. अब क्या हुआ अगर दिल्ली में अटैक होगा? ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आज भी पंजाब में अटैक हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी और फॉरेन पार्टी ने कर लिया, तो क्या करेंगे हम? या तो कोई जम्मू कश्मीर चल जाएगा, कोई हरियाणा चल जाएगा, कोई यूपी चल जाएगा, कोई राजस्थान चल जाएगा. तो इसमें क्या होगा, जो प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहा है. तो अगर प्रॉस्परस सेक्शन दिल्ली छोड़ के बाहर जा रहा है तो वहां पे क्या लेके जा रहा है अपने साथ? ट्रेड एंड कल्चर. इसीलिए हम भी देखते हैं कि जब भी दिल्ली बर्बाद हुई किसको फायदा हुआ? लखनऊ को. लखनऊ में जो बेसिकली अलग एक बादशाहत कायम हुई है अवध के रीजन में, बंगाल में, मालवा में, राजस्थान, गुजरात में, यहां पे जो बेसिकली कल्चर डेवलप हुआ है, कौन लेके गए वो? जब जब दिल्ली पे कोई अटैक हुआ, जब जब दिल्ली बहुत ज्यादा वीक हुई है, लोगों यहाँ पे क्या फ्यूचर है, तो वो छोड़ के कहीं आसपास चले जाते हैं. अब क्या है, अब क्या है, सैयद ब्रदर्स को भी मार दिया, ईरानी गए, हिंदुस्तानी गए, अब कौन आ गए? तो रानी. तो रानी लेड बाय निजाम उल मल्क. अब यही देखना हमने कि देखो ये सारी कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है. जब सैयद ब्रदर्स ने राजे को मार ही दिया ना, उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि यार इनको छोड़ो, बस गद्दी पे बिठाओ. गद्दी पे क्यों बिठाना? क्योंकि अभी भी ये तिमूरी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं कि जो राजा है वो तो देखो रॉयल ब्लड ही बनेगा. राजे की सीट पे कोई वजीर नहीं बैठेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठेगा, कोई लैंडलॉर्ड नहीं बैठेगा, सिर्फ रॉयल ब्लड बैठेगा. तो किसको अलाउ कर देते हैं? वो मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को. और निजामुल मुल्क बेसिकली क्या होगा, वो मोहम्मद शाह के हरकतों से, कि ना वो राजा है ना कुछ और है, इसकी हरकतों से दिल्ली छोड़ के बेसिकली वजीर होगा या क्या, प्राइम मिनिस्टर होगा. वजीर छोड़ के ये हैदराबाद चल जाएगा और वहां पे आसफ जाही डायनेस्टी, बेसिकली निजाम ऑफ हैदराबाद जिसको हम कहते हैं, तो ये फॉर्म कर देगा. नादिर शाह इन्वेजन मास माइग्रेशन एंड हेंस सैटेलाइट स्टेट्स गेटिंग प्रॉस्परस पॉपुलेशन. अब जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर चले जाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे वहां पे दो टाइम की रोटी कम खा लेंगे, जिंदा तो रहेंगे, जाना जहाना तो एक कह के
वहां पर सैटेलाइट स्टेट्स में निकल जाते हैं। सैटेलाइट स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे एनसीआर रीजन किसको कहते हैं हम? दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन को। उसके आसपास के रीजन क्या हो गए? नोएडा, गुड़गांव, अब तो फरीदाबाद, पानीपत यहां तक आ गया। तो बेसिकली ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं बेसिकली, आसपास हैं। अब चंडीगढ़ के सैटेलाइट्स कौन से हो गए? मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, ऐसे ऐसे करके ये सारे उसके सैटेलाइट स्टेट्स हो गए। तो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के से चंडीगढ़ के पेस पे या चंडीगढ़ से ज्यादा पेस पे डेवलप हो रहे हैं अब सारे, चाहे आईटी है चाहे जो मर्जी फील्ड ले लें। सो दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट स्टेट्स। उसके बाद अहमद शाह आ गया, आफ्टर हिम आलमगीर टू आ गया, आफ्टर हिम अकबर टू आ गया। एंड अकबर टू के टाइम पर क्या हुआ था? मराठास टुक ओवर दिल्ली। बस हमने याद रखना कि अकबर टू के टाइम पे था कि जब मराठाओं ने दिल्ली पे कॉन्कर कर लिया था। नेक्स्ट इज शाह आलम, हिज ओन वजीर। ये ऐसा एक राज बादशाह था जो कभी दिल्ली बैठा ही नहीं था। दिल्ली का मुगल अंपायर की सीट कहां पे थी? दिल्ली में। और ये ऐसा था जो दिल्ली में कभी बैठा ही नहीं था, बिकॉज इसका अपना वजीर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसको मारने को फिर रहा था, और इसलिए ये अवध में बैठा रहता था। गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड बंगाल गिवन आउट, हेंस अब तक क्या हुआ था? कारण क्या है? पैसा, चलो फ्यूडलिज्म आ गया, बट फिर भी क्या है, गवर्नर उधर से बंगाल का उधर निजाम उधर भेज दिया, मुल्क को भेज दिया, एंड इधर से मराठाओं को राजपूत को दे दिया। तो गुजरात भी गया, बंगाल भी गया, पैसा जहां से आना था वो दोनों पोजीशंस गई हमारी। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रेड फोर्ट इन 1803, देखो इसके टाइम पे हो रहा है बैटल ऑफ प्रतापगंज, प्रतापगंज, बैटल ऑफ प्रतापगंज में है। इसमें कौन था बेसिकली? ये एंग्लो मराठा वॉर का टाइम हम बता रहे हैं, इसमें मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स थे बेसिकली। मराठाओं ने अंडर द लीडरशिप तो नहीं, अंडर द बैनर ऑफ मुगल एम्पायर इंग्लिश से लड़े थे, बट वो वहां पे हार गए थे। एंड लाल किले पे जो मुगल एम्पायर का झंडा था उसको नीचे कर दिया था, एंड ब्रिटिश एम्पायर का जो झंडा हो गया था ऊपर। सो अब ऑल इन ऑल जो है ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एज ए रूलर आ गया था, नॉट एज ए ट्रेडर। उसके बाद आ जाते हैं अकबर टू एंड बहादुर शाह टू, यानी कि बहादुर शाह जफर, हु लेड बट उसको एज ए नॉमिनल हेड बना के। अब हम ये क्यों देख रहे हैं कि उसको नॉमिनल हेड, अब इतने सारे राजे महाराजे बन गए हैं बट फिर भी उन्होंने मुगल एम्पायर को नॉमिनल हेड बनाया हुआ है, कि अभी भी अगर कुछ भी हो रहा है तो अंडर द रॉयल सील ऑफ मुगल एम्पायर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रेड। अगर ईरानियों से, पर्शियंस से या तुरानियों से या यूरोप से ट्रेड करना है, अगर वहां पे मेड इन मुगल एम्पायर का टैग लगा होगा तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। अब यूएसए में अगर कोई भी चीज होगी उसमें टैग लगा होगा मेड इन यूएसए, चाहे यूएसए काफी ज्यादा कंट्रीज में टूट गया होगा, बट उसकी अगर यहां पे मेड इन कैलिफोर्निया अगर लिख दूं मैं, इसकी ज्यादा वैल्यू पड़ेगी कि मेड इन कैलिफोर्निया की ज्यादा वैल्यू पड़ेगी? यूएसए की पड़ेगी। तो सेम वे इट वॉज मेड इन मुगल एम्पायर, नॉट इन मराठा, बुंदेलखंड, भरतपुर किंगडम या फिर मालवा, इसकी उतनी वैल्यू नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अभी तक ये क्या कर रहे हैं कि मुगल हेड, मुगल जो बेसिकली बादशाह है उसको नॉमिनल हेड, उसको फेस ऑफ द गवर्नमेंट बना के दिखा रहे हैं, बट काम जो है वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बंगाल तो इतना ज्यादा बागी हो गया था, उसने टैक्सेस देने ही बंद कर दिए थे, तो पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो जो है खत्म हो गया। उसके बाद ही वाज सेंट टू रंगून आफ्टर 1857, जो इतना बड़ा रिवोल्ट रहा वो यहां पर आके बस उनका दिल्ली दुआब का रीजन कुछ थोड़ा बहुत वो भी बच जाता है। एंड इट इज सेड, वही बात को रिपीट करूंगा कि इट इज सेड कि बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं मिली थी दफनाने के लिए कहीं पर। अगेन ये मैप बहुत जरूरी है, अब यहां पर ये जरूर देखना, ये देखो होलकर्स, सिंधियाज एंड होलकर्स ने दिल्ली को कॉन्कर। अब मराठास का मतलब एक मराठा नहीं है, काफी सारी फैमिलीज है, तो कोई कोई फैमिली। अब जैसे दिल्ली पे किसने कॉन्कर करा हुआ? सिंधियाज एंड होलकर्स ने, और सिंधिया और होलकर्स जो है मिलके ब्रिटिशर्स को इन 1803 बैटल ऑफ प्रतापगंज में मिलते हैं। अब हम करते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जो हमने अभी मैप में पढ़ा था कि हैदराबाद, अवध, मैसूर, सिख एम्पायर, मराठा, इनका क्या सीन चल रहा है। हैदराबाद कहां पर है? ये रहा। अब हैदराबाद ने कौन सा वाला रीजन लिया? ये देखो
इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओ, कौन सा रीजन है ये? डेक्कन सुल्तान्स का, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। बीजापुर, अहमदनगर, यहाँ पे आ गया आपका अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इन तीनों के कुछ कुछ रीजन लेके इसने क्या बना दी, हैदराबादी डायनेस्टी, जिसको क्या बोला, आसफ जाही डायनेस्टी। फाउंडेड बाय किलिज खान एके निजामुल मल्क फाउंडेड द आसफ जाही डायनेस्टी। अब ही वॉज इन गुड रिलेशन। अब अगर आप निजामुल मुल्क की अगर हम बात करें, ये तो है नहीं कि वजीर था उससे पहले, क्या वजीर बनने से पहले, सॉरी यहां का निजाम बनने से पहले उसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या उसको पोजीशंस मिली हुई थी। सैयद ब्रदर्स के साथ वो बड़ा अच्छे रिलेशंस में था, जो हिंदुस्तानी ग्रुप था, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उसे गवर्नरशिप ऑफ डक्कन दे दी। बट उस बाद में क्या हुआ, आज ये जो निजामुल मुल्क है ये ईरानी और तुरानियों के साथ मिल गया कि सैयद ब्रदर्स को खत्म करो और मैं अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम यहां पर क्रिएट कर लूंगा। रंगीला बादशाह, रंगीले को लगता है कि यार मैंने तो काम करना नहीं है, इसको ही बुला लेते हैं, अच्छा मेरे को प्राइम मिनिस्टर लगता है, इसको वजीर बना लेते, ये वजीर बना लेता है। बट भाई उसकी हाव भाव भी राजा ही ऐसा का होता है, अगला कहता है छोड़ो यार मैं अपना वहीं पे ठीक हूं। वो अपने आप को छोड़ के हैदराबाद, वहां पे कह दे, कोर्ट में कह देता है कि मैं तो जी शिकार पे चलूं, बट वो एक्चुअल में कहां पे निकल जाता है, हैदराबाद की तरफ। मोहम्मद शाह को ये पता लग जाता है, वो कहता है कि यार मैं बादशाह हूं, मेरे को बताया भी नहीं, मेरा प्राइम मिनिस्टर बिना रेजिग्नेशन दिए बेसिकली ऐसे ही मुंह उठा के चला। तो वो मुबारिस खान को भेजता है कि जाके जिंदा या मुर्दा मेरे को निजामुल मुल्क लाके दे। मुबारिस खान इस बात का निजामुल मुल्क को पता लग जाता है, दोनों लड़ते हैं बैटल ऑफ शकरखेड़ 1724 में। अब उसमें मुबारिस खान को हरा देते हैं, एंड अब क्या है, मोहम्मद शाह के पास कोई रास्ता बना नहीं है, एंड मोहम्मद शाह क्या है, गेव हिम द टाइटल ऑफ आसफ जा, एंड आसफ जाही डायनेस्टी इज हेंस फॉर्मड इन हैदराबाद। अब हैदराबाद में बन गई आपकी आसफ जाही। यहां पे कौन बैठे हैं, मराठास, और यहां पर छोटी छोटी डिवीजन है, अभी इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। तो मराठाओं के साथ भी ये गुड रिलेशन में, इसको कहता है कि यार क्या साउथ में करेगा तू, आके तेरे पास ऊपर गुजरात बंगाल दोनों है, तू अपना वहां पे एंजॉय कर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मराठास के अटैक को यह अवॉइड कर देता है। उसके बाद नादिर शाह जब मुगल्स पे अटैक करता है 1739 में जब अटैक करता है, तो मुगलों की हेल्प भी करता है, बट नो डाउट नादिर शाह बिल्कुल ही तहस महस कर देता है। तो निजामुल मुल्क वापस आता है और अपना हैदराबाद, अपना घर पर जो बेसिकली जो कहता है कि जो है मेरे पास उसको कंसोलिडेट करूं, तो वापस आ जाता है हैदराबाद में। पोस्ट वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, अब जो है जो हैदराबाद की डायनेस्टी है वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट कल्चर में डेवलप करती है। अब यही है कि हैदराबाद बना, किसने बनाया, क्या उसका सिनेरियो है, कि मराठाओं के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ऑन एंड ऑफ कभी लड़ाई चली, मराठा कहते हैं चौथ देशमुखी दो, वो कहते हैं नहीं देंगे, कभी लड़ाई चली, कभी कोई जीता, कभी कोई हारा, बट अभी क्या है, हम फाउंडेशन कर रहे हैं कि हैदराबाद बन गया, ठीक है। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आ गया, आसफ जाही डायनेस्टी बैठी है, मुगल एम्पायर बिल्कुल जीरो हो चुका है, ये सीन है। नेक्स्ट इज अवध। अब ये देखो, ये है वैसे अवध, अवध के ऊपर बैठे हैं रोहिले, रोहिलखंड वाला रीजन। अब अवध, अगर हम आज का ये यूपी का मैप है, ये आज का ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये है आपका अवध, ठीक है, ये है आपका अपर दुआब, ये आपका लोअर दुआब, और ये आपका मिडल दुआब, ये आपका लोअर दुआब, ये बुंदेलखंड, ये जो वाइट रीजन है बघेलखंड, और ये पूर्व प्रदेश, और इन दोनों को क्या कह देते हैं हम, पश्चिम प्रदेश भी कह देते हैं वैसे। सो अवध वाला रीजन जो हम बात कर रहे हैं, वो यूपी का ये वाला सेंट्रल रीजन अगर हम कहें तो ये वाला, ये बुंदेलखंड बघेलखंड, बघेलखंड छोटा सा इसका। तो ये भी आपको डिवीजन पता होनी चाहिए, अकेले पंजाब की नहीं, हर एक की, क्योंकि अगर मैं कल को ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें बुंदेलखंड वर्ड आ जाएगा, बुंदेलखंड हमें क्या पता कहां पर है, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। तो अवध, नेक्स्ट इज हमने हैदराबाद पढ़ा, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अवध का। अब भाई जब जब दिल्ली बर्बाद हुई, कौन कौन
मतलब कि ज्यादा प्रॉस्परस हुआ सैटेलाइट स्टेट्स, एंड सबसे ज्यादा जो नजदीक था वो कौन था, दिल्ली के अवध। बेसिकली ये जौनपुर ही था जो जौनपुर बाद में अवध और इलाहाबाद में टूटा था। व्हेनेवर दिल्ली गॉट वीक एंड अटैक्ड ऑल प्रॉस्परस पीपल मूव टू सैटेलाइट स्टेट्स। इट वॉज फाउंडेड बाय, अब ये फाउंडर्स जरूर याद रखने, सद्दा खान ए के बुरहान उल मुल्क, ठीक है। ही वॉज अ सैयद, सैयदों अफगानी डायनेस्टी से, दैट मीन्स जब तक सैयद ब्रदर्स रहेंगे तब तक ये बाद में रहेगा, बट बाद में डिप्लोमेटिकली गेम खेलेगा और उसके बाद भी ये अवध को अपने कॉन्कर में अपने अंडर रखेगा। एंड मेड लखनऊ एज हिज कैपिटल, ठीक है। गवर्नर इससे पहले कहां का था, ये बंगाल का भी रहा हुआ है, गुजरात का भी रहा है, सो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत साउंड है। और अगर अपनी कल को ये डायनेस्टी बनाता है, बेसिकली अगर किसी एक इंसान ने कोई जॉब करी हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, कल को उसको अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो वो अपना वो बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो सेम वे यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड है, इसलिए इसको पता है कि कल को अगर मैं अपनी डायनेस्टी बनाऊंगा तो उसको मैं अच्छे से संभाल पाऊंगा। इंडिपेंडेंट किंगडम इन 1739, देखो कब बना रहा है ये 1739, कौन सा पीरियड है, नादिर शाह। कारण ही हेल्प्ड नादिर शाह, उसने नादिर शाह को बोला कि आजा दिल्ली पे अटैक कर, और उसने क्या बोला कि 20 करोड़ रुपए की तेरे को यहां से बूटी मिलेगी, मतलब बेसिकली जो यहां से लूट मार करेगा यहां पे 20 करोड़ का सोना जो है वो रखा हुआ है। अब नादिर शाह आया, दिल्ली पूरी लूट ली, वो कहता है कहां पे 20 करोड़ कहां पर रही है। अब सद्दा खान पे उसने पूरा प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अब ये 20 करोड़ कूद देगा, और सद्दा खान डिप्रेशन में आ गया कि एक तो मुगल एम्पायर से 20 करोड़ निकाला, मैं अवध से कहां से 20 करोड़ निकालूंगा, एंड हेंस ही कमिटेड सुसाइड। नहीं तो नादिर शाह ने मार देना था, उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। अब ही हैड नो सन एंड गॉट हर डॉटर मैरिड टू नेफ्यू, मामे, पिटर्नल साइड पे, पिटर्नल साइड पे इसने सफदरजंग अपने नेफ्यू के साथ अपनी बेटी की शादी कराई, एंड मोहम्मद शाह डिक्लेयर्ड हिम, महमूद शाह को ना वही रंगीला, रंगीला ने इसको क्या बोला, तू नवाब अवध का आज से, ठीक है। एंड मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के बाद इसको अपना वजीर बना लिया, एंड इसलिए इसको क्या बोलने लगे, नवाब वजीर कहने लगे सद्दा खान को। 1819 ही टुक द टाइटल ऑफ किंग ऑफ अवध। अब मुगल एम्पायर जब 1803 के बाद तो बिल्कुल ही खत्म होने लग गया था, 1819 में क्या टाइटल ले रहा है, किंग ऑफ अवध। बट अभी भी आप वही देखो कि सारे अपने आप को निजाम का टाइटल दे रहे हैं, कोई अपने आप को सुल्तान या बादशाह नहीं कह रहा। कारण तिमूरी आइडियोलॉजी, वो इतना तो एटलीस्ट प्रिंसिपल्स में है, एथिकली वैल्यूज प्रिंसिपल्स, अभी उनके इतने मतलब कि जमीर उनका इतना जिंदा है कि इतना भी वो नहीं करना हमने। तिमूरी आइडियोलॉजी है, देखो निजाम है, अभी भी निजाम, चाहे वो अपने आप, चाहे वो टैक्स भी नहीं दे रहे, इतनी ज्यादा बेकदरी कर रहे हैं, बट स्टिल नेम से एक नहीं, वो इतनी बेकदरी करेंगे। अवध बन गया। अब आता है बंगाल, मुर्शीद कुली खान, ही वॉज ए ओरिजिनली ही वॉज ए हिंदू, हिंदू कन्वर्ट इन टू मुस्लिम। अब ऑब्वियसली अगर हिंदू है, मुस्लिम इस्लाम फॉलो करा है उसने, बट पावर में आने के बाद वो क्या करेगा, हिंदुओं को प्रमोट करेगा। और इसके टाइम पे एक्चुअल में ये हुआ कि भाई जो हिंदूज हैं दे रोज टू मेनी हाई पोजीशंस। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, और यहां पे बंगाल का मतलब क्या है, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा तीनों। अब जगी, अब ये भी आया, वो कहता कि यार पैसे कहां से आ रहे हैं, बंगाल नो डाउट इतना पावरफुल है बट पैसा तो आ नहीं रहा, क्योंकि दस्तक राइट्स थे, ड्यूटी फ्री पासिस, ये हम यूरोपियंस में पढ़ेंगे, दस्तक राइट्स थे। दस्तक राइट क्या है, एक कार्ड बन गया। फॉर एग्जांपल आप एक टोल से रोज जाते हो, वहां पे आप मंथली पास दिखा देते हो, ठीक है, तो आप जाते हो, ये तो नहीं हमेशा आपने पर्ची कटानी है, वहां से आपने पास दिखाया आपकी गाड़ी चली गई, आपने पास दिखाया आपके आ गया, फॉर वो वही है ना, वन टाइम पेमेंट कर दिया आपने और उसके बाद आप पूरा मंथ यूज करोगे। अब ऐसे ही दस्तक राइट्स मिल गए थे यूरोपियंस को, एंड इन पर्टिकुलर इंग्लिश को, कि आप वन टाइम पेमेंट करो, उसके बाद जितना मर्जी ट्रेड करो, कोई चुंगी नहीं, कोई टोल नहीं, कोई ऑक्ट्राई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बट इसका जो है मिसयूज होने लग गया, और मुर्शीद कुली खान कहता है कि यार इसका भी मिसयूज हो रहा है, ना मेरे पास कोई पैसा आ रहा है ना क्या है, तो मैं क्या करूं। सबसे पहले वो क्या करता है, जो सारी जागीरें दी होती है ना जागीरदारों को, मनसबदारों को, वो सबसे वापस ले लेता है प्रोडक्टिव लैंड्स, क्योंकि वही बात हम पहले भी यहां मैंने आपको बोली थी
कि जागीर जागीर अगर दे रहे हैं तो ये नहीं है कि बंजर जमीन दे रही नहीं, प्रोडक्टिव लैंड दे रहा था। बट मुर्शीद कुली खान सॉरी मुल्क ने मुर्शीद कुली खान जो है वो सारी वो जागीरें वापस ले लेता बंगाल वाली जो प्रोडक्टिव लैंड होती है, और उन्हें कहां पे दे देते जमीन है वो उड़ीसा वाली साइड पे जहां पे इतनी फर्टाइल नहीं होती। और अब पहले क्या होता था, मुगल एम्पायर जो था वो सारे ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करता था बंगाल में। अब उसने वहां से मार दिया काटा, बंगाल का दिल्ली से कर दिया नाता खत्म, और जो भी ऑफिसर अब यहाँ पे आता था तो वो कौन रिक्रूट करता था, खुद मुर्शीद कुली खान कर रहा है। तीसरी बात, अब पैसा कमाना है तो इसने भी इजारा सिस्टम, माल जमीनी इजारेदारी सिस्टम की तरह इसने भी वही करा। बट इसने क्या करा, ये आ गया सेंटर आपका, ये आपका आ गया जमींदार मिडलमैन आ गया, ये आ गया आपका रायता आ गया। अब इसने वही करा, ऑक्शन करी, बताओ जी आप कितने दो, वो कहता मैं 300 यूनिट दूंगा, वो कहता मैं 500, 500 वाले को दे दिया कि 500 यूनिट तुमने देने हैं मेरे को। बट अब तक वो इजारेदारी सिस्टम में बड़ी डिफॉल्ट पेमेंट्स होने लग गई थी, और डिफॉल्ट पेमेंट करने के बाद क्या, वो हाथ खड़े कर देता था, वो कह रहा करने जो करना मुगल एम्पायर को। अब इसमें क्या कर रहा था, ये एक श्योरिटी बॉन्ड भरवा रहा था इनसे कि अगर तूने मेरे को ये 500 नहीं दिए तो मैं तेरी सारी जमीन भी ले लूंगा, तेरे को फाइन भी लगाऊंगा, तेरे को पनिश भी करूंगा, तो सब कुछ। तो श्योरिटी बॉन्ड ले रहा है वो यहां से, श्योरिटी बॉन्ड लेने का मतलब कि तू इतने ही कलेक्ट करेगा कुछ अपनी सैलरी एक्स्ट्रा करके, और इतने ही मेरे को देगा। तो श्योरिटी बॉन्ड के चक्कर में क्या हुआ, जो रायत था उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी कम। इजारेदारी सिस्टम और इजारा सिस्टम में यह फर्क था, सिर्फ यहां पर श्योरिटी बॉन्ड, एक श्योरिटी बॉन्ड लिया जा रहा था जिसमें कि इंश्योर कराना है कि तूने कलेक्ट भी इतना करना है और मुझे देना भी इतना, और अगर तू डिफॉल्ट करेगा तो को पनिश करूंगा। बट इजारेदारी में तो डिफॉल्ट करके वो हाथ खड़े कर जाते थे कि कर लो जो करना है। ऑल ऑफिसर्स वर नाउ रिक्रूटेड बाय हिम एंड ही वाज गुड एट रिलेशन विद हिंदू लीडर्स बिकॉज ही वाज आल्सो ए हिंदू कन्वर्ट हाई रैंक्स। ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दौला देन सरफराज खान एंड देन अलीवर्दी खान मिलिट्री गवर्नर ऑफ बिहार किल्ड सरफराज खान, और बिहार जो है वो बेसिकली बंगाल से अलग हो जाता है उसके बाद। नेक्स्ट इज राजपूत। राजपूत बेचारे अपने में ही लड़े हुए, मेवाड़ मारवाड़ और आमेर, वो कहता है मैं सुपीरियर हूं, वो कहता है मैं सुपीरियर हूं, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। सैयद क्या है, मारवाड़ को गुजरात दे देते हैं और उसके बाद आमेर को आगरा, आमेर मतलब राजा सवाई सिंह, ये देखो ये आ गया आपका मारवाड़, अगर हम देखें ये आ गया क्या आमेर मारवाड़ आमेर एंड मेवाड़, मारवाड़ को दे देते ये गुजरात एंड उसके बाद आमेर के राजा को ये दे देते आगरा, और मेवाड़ बेचारा जलता रहता है इनसे। तो इनके आपस में टसलबाजी चली जा रही है कि मेवाड़ कह रहा है मैं सुपीरियर हूं, ये कह रहा है मैं सुपीरियर हूं, और आमेर कह रहा है मैं सुपीरियर हूं। अब इसमें हम पढ़ेंगे और दिस इंक्रीज द इंटरनल फ्यूड्स एंड मराठास, और मराठाओं ने इस लड़ाई का फायदा लिया एंड अल्टीमेटली दे मेड राजपूत देयर ट्रिब्यूटरी देयर टेरिटरीज नॉट ट्रिब्यूटरी बना लिया था। अब इसमें हम राजा सवाई सिंह राजा सवाई जय सिंह का हम थोड़ा सा रेफरेंस देख लेते हैं। ये वैष्णव सेक्ट को फॉलो करता था और बड़े सेंचुरीज के बाद इसने क्या शुरू करा, ये अश्वमेध और वाजपेयी सेक्रीफाइसेस। सो बेसिकली ये उस पॉलिसी को ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहा। परसुएशंस मेड मोहम्मद शाह सॉरी नॉट मोहम्मद शाह रिमूव जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, जजिया और पिलग्रिम टैक्स हटवा दिए, इसकी परसुएशंस है। ही मेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली मथुरा बनारस उज्जैन आगरा, याद रखना है कहां कहां ऑब्जर्वेटरीज बनाई है। ही गॉट एस्ट्रोनॉमी वर्क रिलेटेड ट्रांसलेटेड इन टू संस्कृत ऑफ जॉन नेपर एंड यूक्लिड ज्योमेट्री, तो बेसिकली साइंस मैथ्स एस्ट्रोनॉमी के साथ ये बहुत करता था। अब ये वाली देखो, ये अगर जयपुर जाते हो सबसे बड़ी वहां पर है सिटी महल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अब यहां पे क्या होता है, लोकल टाइम हमें पता लग जाता है एंड सेकेंडली पोल स्टार की लोकेशन। लोकल टाइम, टाइम कैसे काउंट करते हैं हम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, तो
1 degree 4 minutes. हाँ ठीक है, तो किसे कर रहे हैं हम टाइम को? लॉन्गिट्यूड से. और डिस्टेंस किससे करते हैं हम? लैटिट्यूड से. दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? अप्रोक्सीमेटली फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड होता भी है कि नहीं होता? नहीं, लैटिट्यूड के बीच में फिक्स नहीं होता कि लॉन्गिट्यूड के बीच में फिक्स नहीं होता टाइम और डिस्टेंस? नहीं होता. लॉन्गिट्यूड में फिक्स होता? पक्का? उल्टा है. लैटिट्यूड में फिक्स्ड है, लॉन्गिट्यूड. देखो ये आया आपका. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं वैसे? हाँ, ये लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स हैं. एक सर्कल में कैसे वो जो है डिस्टेंस सेम हो सकता है? टाइम जो है लॉन्गिट्यूड से आ रहा है. 4 degrees. डिग्री क्यों कह रहे हैं हम इसको? और इनमें कितना डिफरेंस होता है हमेशा? 111 किलोमीटर का. इसके अलावा क्या है? पोल स्टार, ध्रुव तारा. सुना क्या होता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर किसी रेगिस्तान में घूम गए और मैंने आपको बोल दिया कि वेस्ट में जाना है, वेस्ट में जाओगे अपने घर पहुंचोगे, ना आपके पास कोई कंपास है ना कुछ है, और बस आपको पोल स्टार पता लग गया कहां पर है, कैसे जाओगे? हाँ हाँ, रोटेशन रेवोल्यूशन कैसे काउंट करोगे फिर आप? अब देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वाया साउथ की तरफ घूम के वो वेस्ट में सेट हो जाता है. अब आप कैसे उसको काउंट कर सकते हो कि वो कौन सा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है? बट हाँ, पोल स्टार कह रहा हूँ, सन नहीं ना. ना ना ना, उसका क्यों नहीं होता बताओ? पोल स्टार फिक्स रहता है पूरा, मतलब कि थ्रू आउट डे नाइट हमेशा फिक्स रहता है. कारण नहीं, जियो स्टेशन इट इज नॉट अ सैटेलाइट. हाँ, कारण कारण बताओ. पोल स्टार जो है ये आपकी अर्थ आ गई, ये सैटेलाइट बिल्कुल फिक्स्ड क्यों रहता है? हमेशा एक पोजीशन पे रहेगा. और कौन सी कॉन्स्टिलेशन के साथ इसको हम ढूंढ सकते हैं ये भी ढूंढना. वैसे उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर के साथ इसकी हम काउंट कर सकते हैं. अब बताओ कि पोल स्टार जो है इट अपीयर्स, इट इज नॉट स्टेशनरी, मतलब कि सारा यूनिवर्स मूविंग में है, बट जो पोल स्टार है इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी थ्रू आउट. कारण कि जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है ना, उसके बिल्कुल ये पैरेलल में पड़ता है, तो इसलिए हमें कभी दिखता ही नहीं है मूव करता हुआ, हमेशा ये हमें नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा. सो इसका मतलब कि अगर नेविगेशन के लिए आप समुंदर में जा रहे हो, अब कंपासेस इतनी ज्यादा पावरफुल तो थी नहीं, बस उसको ये पता होता ना सेलर को कि मैंने नॉर्थ में जाना, तो क्या करेगा वो? टुवर्ड्स पोल स्टार को ढूंढेगा और उसके डायरेक्शन में निकल जाएगा. दैट मीन्स वो नॉर्थ में जा रहा है. अब उसने ये भी देखना कि यार मैं कितनी आगे आ गया हूं, तो जैसे ही जो पोल स्टार है वो 1 degree नीचे शिफ्ट होगा, दैट मीन्स उसने 111 किलोमीटर कवर कर लिया. 2 degree हुआ, 222 कर लिए. 3 हुए, 333 हो गए. सो इससे क्या पता लगेगा हमें? हमें डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, इससे ये भी हमें कैलकुलेट हो जाता है. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज जार्ट्स. जार्ट्स वाले कहां से आए थे बताओ? वैसे जार्ट्स एक्चुअली कहां से हैं? बलूच वाला रीजन बताया ना, बलूच वाले रीजन से होते हैं, सिंध, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, दुआब, ये वाले रीजन में आके सेटल डाउन हुए. दे रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, हमने पढ़ा था चूरमान के अंदर, बट चूरमान हैड टू सुसाइड, मतलब कि कमिट करना पड़ा था क्योंकि उसको घेराबंदी हो गई थी किले में. तो ही थॉट कि मतलब कि औरंगजेब के हाथ लगूंगा तो इट विल बी अ वेरी टॉर्चरस, वेरी मतलब कि वेरी बैड डेथ होगी, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेता है. उसके बाद उसका नेफ्यू बदान सिंह वो टेक ओवर करता है चूरमन को. अब यहां पर एक आ जाता है कि इसका बेटा भी है. इसकी स्टोरी जरूर पढ़ना, अच्छी है कि भाई उसको लगता है कि बदान सिंह की गलत पॉलिसी की वजह से जो चूरमान है वो फोर्ट में कब्जा, मतलब कि बेसिकली कैद हो गया था, जिसकी वजह से सुसाइड करना पड़ गया था, इसलिए वो साइडलाइन हो जाता है. वो कहता है यार मेरे को नहीं लेना देना, इसलिए बदान सिंह उसको करता है. एंड ही लेज द फाउंडेशन ऑफ भरतपुर किंगडम. अब भरतपुर किंगडम है यहां पे, दिल्ली के आसपास आई है छोटी सी, भरतपुर किंगडम को ये ले डाउन करते हैं. अहमद शाह अब्दाली इस टाइम पे आता है एंड ही गिव्स टाइटल ऑफ महेंद्र टू
बदान से. ही वॉज फॉलोड बाय सूरजमल. सूरजमल ही इज कॉल्ड द प्लेटो एंड ओलेसिस ऑफ जाट्स. यानी कि बड़ा फिलोसॉफिकल बातें करता था ये. फिलोसफी, रिलीजन, बेसिकली बड़ा विजन, विजडम की बातें बहुत करता था. तो इसलिए सूरजमल इज कॉल्ड द प्लेटो ऑफ जाट्स. तो ये आपका जाट्स वाला रीजन आ गया. नेक्स्ट इज मैसूर. ओरिजिनली मैसूर अगर हम देखें तो इट वॉज दिस थिंग. उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं. तो उसमें अब देखो मैसूर यहां पर है, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ रहेगा? मराठाओं के साथ, हैदराबाद, त्रावणकोर और कार्नाटिक्स के साथ में हमेशा इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा. और ब्रिटिशर्स कभी मराठाओं को यूज कर देंगे इनके अगेंस्ट, कभी हैदराबाद को, कभी इन सबको इकट्ठा कर देंगे. तो एंग्लो मैसूर वॉर्स में क्या हुआ, हारा. कभी कुछ एरिया हैदराबाद को देना पड़ गया, कुछ एरिया कार्नाटिक को, कुछ त्रावणकोर को और कभी मराठाओं को. तो ओवरऑल करते करते हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, देखो मैसूर के पास है इतनी ज्यादा इफेक्टिव कोस्ट लाइन जहां से ट्रेड कर सकता है, ट्रेड करेगा पैसा आएगा, पैसा आएगा पावरफुल होगा. तो सबने मिलके क्या करा कि इसको लैंड लॉक कर दिया. इतना सा बना दिया मैसूर बाद में, सिर्फ येलो पोर्शन जो दिख रहा है, लैंड लॉक कर दिया इसको. तो लैंड लॉक करने का मतलब कोस्ट लाइन नहीं, कोस्ट लाइन नहीं, ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं मतलब ना इकोनॉमी ना एम्पायर. सो ये उनकी गेम थी. अब हैदर अली लेज द फाउंडेशन ऑफ दिस मैसूर किंगडम बाय ओवरटेकिंग द ट्रेडिशनल रूलर्स. हैदर अली एक जूनियर ऑफिसर था मैसूर की सेना में, और जूनियर ऑफिसर से उठ के ये एज ए राजा आ जाता है. इन 1761 जो ट्रेडिशनल वहां के रूलर्स थे उनको हटाता है एंड ही टेक्स ओवर द सीट. कॉन्स्टेंट मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबको हरा दिया. बट इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स को हैदर अली डिफीट कर, ही डिफीट्स द ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. ही इज फॉलोड बाय टीपू सुल्तान हू इज किल्ड इन द हिमसेल्फ इज किल्ड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उसकी डेथ हो जाती है. इसको पूरा डिटेल में हम करेंगे कि पहली हुई कौन सी ट्रीटी हुई, क्या एरिया सीड करना पड़ा, क्या इश्यूज रहे उसमें, तो उसमें हम प्रॉपर उसको करेंगे. अभी हम सिर्फ वही बात है फाउंडेशन कर रहे हैं. ही डेवलप्ड हिज ओन कॉइनेज. अब टीपू सुल्तान इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रदर. कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि कई लोग उसे कहते हैं कि बिल्कुल ही एंटी हिंदू था, कई लोग कहते हैं कि हिंदू की फेवर में था. सो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. ही डिवेलप्ड हिज ओन कॉइनेज. ठीक है, अपने अपने कॉइन छपवाने शुरू कर दे. अपना खुद का एक सोलर कैलेंडर उसने बना दिया. लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से मैसूर सिल्क इंडस्ट्री जो आज तक बहुत ज्यादा फेमस है वो डिवेलप हो रही है. आयरन केस. अब रॉकेट टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो बारूद के गोले थे वो तो यूज हो रहे थे, बट इसने क्या यूज शुरू करा, रॉकेट्स. तो आयरन केस मैसूरियन रॉकेट्स बहुत फेमस हुए, और इसने एक मैनुअल लिखा फतेह उल मुजाहिदीन. ये क्या था, ये रॉकेट आर्टिलरी को मतलब कि कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे यूज करना है, कहां पे हम रखेंगे तो कितना इंपैक्ट होगा, तो उसके लिए एक मैनुअल लिखा है इसने. एंड अगेन हिज रिलीजियस पॉलिसीज इज कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे. वो आप डिपेंड करेगा कि अगर आप किसी प्रो हिंदू का पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि टीपू सुल्तान इज अगेंस्ट देम. अगर किसी के बारे में बोलोगे नहीं जी उसने तो मंदिर भी बनवाया, उसने ये भी करा, तो बड़ी एक मिक्स सा वर्जन रहेगा आपके लिए. एंड दैट इज प्योरली पॉलिटिकल, उसमें कोई वो लॉजिक की बात नहीं है. नेक्स्ट इज मराठास. अब मराठास सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल एम्पायर है. ठीक है, एंड दे रोज टू पावर. अब पेशवाज आ गए थे उसके बाद में. हमने बोला था कि जब मराठा कॉन्फेडरेसी के जो राजे थे, छत्रपतियों की जब बेसिकली खत्म हुई, तो पेशवा यानी कि उनके वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ने दे टुक ओवर एंड उनके अंडर अब ये सारा हो रहा. अब वही वो जो मैप आपको मैंने बोला उसमें अकेला अकेला लिखा है कि कौन से पेशवाज जो है वो कहां पे जा रहा है. जैसे यहाँ पे दिल्ली वाले रीजन में आपके सिंधियाज एंड होलकर आपके एक्टिव होंगे. सिंधियाज एंड होलकर ये इंदौर सारा रीजन ही है, ये वाला रीजन ही कह रहा हूं मैं, यहां से लेके पूरा दिल्ली तक. मैप आप पुराने वाला रेफर कर लेना मराठा इसके लिए, इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया होगा. अब बट अहमद शाह अब्दाली के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखो अगेन पानीपत की लड़ाई होगी, वही बात है. जो भी आएगा इधर से पासिस में से पार होगा, पासिस से पार हुआ दिल्ली आ गया. दिल्ली कारण रीजनल किंगडम्स है, किसी को लेना देना नहीं. वो कहता है मेरे किंगडम साफ मतलब कि रहे.
अब जैसे ही दिल्ली आया, सॉरी पंजाब पार करा, पंजाब के बाद सबसे पहला जो मतलब कि दिल्ली गया, दहलीज आ गई। अब दहलीज पे क्या है, पानीपत, और पानीपत में दोबारा से होगी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई, जिसमें वो हार जाते हैं एंड उसके बाद जो है इनकी पावर कम होनी शुरू हो जाती है। दे वर ऑल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट मोड, कारण राजपूत ऊपर से जो पुरानी ट्रेडिशनल डायनेस्टीज है, बंगाल, निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मोड में चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर इंटरनल इनकी अपनी लड़ाइयां, वही कि मैं ऊपर हूं मैं ऊपर हूं, क्योंकि बेसिकली ये कोई सक्सेशन प्रिंसिपल तो है नहीं इनके पास में। लास्ट इज सिक्स, सो गुरु गोविंद सिंह जी लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा एंड वॉज इन गुड टर्म्स विद औरंगजेब के साथ, ठीक ठाक चलता रहा उनका, ठीक है ना, एंड इवन वेंट विद बहादुर शाह के साथ डेक्कन चले गए थे मराठास के अगेंस्ट, बट वहां पर जाके जो इक्वेशंस खराब होनी शुरू हुई। एंड जब ये डेक्कन में जाते हैं, ही मीट्स माधवदास, माधवदास कौन है, ही वॉज फॉलोड बाय बाबा सॉरी बंदा बहादुर हु लेड टिल 1716, हु वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ आफ्टर हिम, देयर वॉज अ ब्लैक फेज इन हिस्ट्री। 1716 के बाद कुछ नहीं पता, कोई कोई ग्रुप बनाया, किसी ने कोई ग्रुप बनाया, उधर से इन्वेजन हो रही हैं, तो बिल्कुल ही ब्लैक फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब अगर हम कहें सिख हिस्ट्री की तो करें। बट 33 में 6 कंबाइन अंडर 12 मिसल्स, अंडर कौन करते हैं ये, मिसलों में कौन सबको सारे सिखों को कंबाइन करता है, नवाब कपूर सिंह। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ टर्मोइल 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह, बेसिकली मुगल एम्पायर, ये नॉर्दर्न इंडिया में टर्मोइल चल रहा है, तो इसका फायदा उठाकर जो सिख्स हैं वो अपने पावर में आ जाते हैं। एंड 1760s तक ये मेजर पोर्शन जो है, जब हम कहते हैं कि दिल्ली भी पंजाब ने कॉन्कर कर ली थी, तो ये वो वाला फेज है कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो जो पंजाब का है एक्सपेंशन मोड में रहेगा। तो विद दिस अब हम रेडी हो गए हैं कि जब यूरोपियंस इंडिया में अपना एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्ट कौन कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा, कि एक सिंगल एम्पायर करेगा, कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहेगी, कि क्या रहेगा। सो विद दिस अब हमारा नेक्स्ट फेज से शुरू हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके रिगार्डिंग है क्वेश्चन तो पूछ लो, एल्स यू आर फ्री टू गो।